हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों. दोस्तों धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी दीपावली इन एडवांस. दोस्तों अपने पढ़ाई को भी जारी रखते हैं. आराम से आप लोग घर बैठ के अपने सेशंस को एंजॉय करें और मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा होने वाला है. दोस्तों आज का हमारा जो की पॉइंट्स रहेगा ये हमारा मॉडर्न अल्जेब्रा का ग्रुप थ्योरी है, लेक्चर नंबर 13 है दोस्तों. इसमें जो हाइलाइट्स रहेगा दोस्तों आज का कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की ग्रुप आइसोमॉर्फिक्स कब होंगे, दो ग्रुप को कब हम बोलेंगे कि दे आर आइसोमॉर्फिक टू इच वन. और दोस्तों इसके बियॉन्ड रहेगा दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर इन सी स्टार. ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे. मोर ओवर दोस्तों एक और हमारा इसमें टॉपिक्स रहेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन. तो जेड एन के अंदर दोस्तों और सी स्टार के अंदर हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो सकता है. तो हमारा दोस्तों मेनली बातें चलेगा काउंटिंग नंबर पे. तो पहला तो सेशन में दोस्तों ये पहले क्लियर कर दूं आइसोमॉर्फिक ग्रुप, उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड पॉइंट पर. दोस्तों हार्डली 20 मिनट्स का वीडियो बनेगा, बट डेफिनेटली आप लोग इसको अच्छे से वॉच करें. दोस्तों आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है जरा ये समझ लें आप लोग कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप. दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास एक जीवन ग्रुप है और वो उसका अपना कुछ बाइनरी स्ट्रक्चर है. एक दूसरा ग्रुप है G2, उसका भी कुछ बाइनरी स्ट्रक्चर आप मान लीजिए, इसको कंपोजिशन ना माने, कुछ और भी बाइनरी स्ट्रक्चर हो सकता है इस ग्रुप का. सो दिस ग्रुप G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 कब होगा दोस्तों, इफ ये याद रखें, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ G1 दोस्तों होना चाहिए ऑर्डर ऑफ G2 के, मतलब दोनों ग्रुप के ऑर्डर मस्ट बी सिमिलर, फर्स्ट वन. सेकंड दोस्तों क्या बोलता है ये तो डेफिनेटली आप लोग याद रखें दोस्तों. और सेकंड बात वो बोलता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ AIs में लिख देता हूं दोस्तों, और ऑर्डर ऑफ BIs, AI कोरिस्पोंडिंग टू G1 एंड BI कोरिस्पोंडिंग टू G2 फॉर ऑल आई एंड फॉर ऑल दिस, इसको दोस्तों J मान लेता हूं, J इन AI belongs to such that लिख देते हूं दोस्तों, AI belongs to G1 and BJ belongs to G2. क्या समझ आया दोस्तों कि एलिमेंट के जो ऑर्डर होंगे दोस्तों वो हमारे क्या होना चाहिए दोस्तों, सिमिलर होने चाहिए. जितने भी पॉसिबल होगा उसके एलिमेंट के ऑर्डर सिमिलर हो, पहली बात तो ये. सिमिलर का अर्थ नहीं है कि पर्टिकुलर ऑर्डर का, नंबर में लिख देता हूं दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट रख लीजिए यहाँ पे, शायद ये मच बेटर रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर बीजे. मतलब कहने का मतलब है कि ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट के ऑर्डर रहेंगे दोस्तों, पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उतने ही दोस्तों उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए. ठीक है ना, तो ये बातें हो गई. काउंटिंग नंबर सेम है तो दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो गया, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. थर्ड जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नेचर जो है, नेचर मतलब क्या होता है कि दोस्तों का नेचर या बिहेवियर जो भी हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, दोनों ग्रुप का सिमिलर होना चाहिए. क्या मतलब है, अगर ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होना चाहिए, ये अवेलियन तो वो भी अवेलियन, ये नॉन अवेलियन तो वो भी नॉन अवेलियन. तो दोस्तों इस टाइप की बातें चलेंगी. तो नेचर जो होगा दोस्तों G1 और G2 का क्या होना चाहिए दोस्तों, सिमिलर होना चाहिए. इस चीज को आप लोग, और आप जब करेंगे तो इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अब एक आप लोग अच्छे से समझ के करेंगे इस चीज को. तो इस चीज को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से पहले चीज को समझ लें कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है दोस्तों. IIT जेम में और स्टेट PCS हो या UPSC में दोस्तों इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है. लेकिन हमारा जो लेवल है दोस्तों CSR UGC नेट गेट जो रहता है वहां पे चीजें काफी बारीकी से दी जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, आपको डेफिनेटली कुछ करने के लिए दिया जाता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है पर कुछ देखना चाहते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे. कहता है कि यू हैव टू सर्च वेदर द ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट. पहला देखिए दोस्तों क्या है, Z4 और आइसोमॉर्फिक है क्या, Z2 क्रॉस Z2 पर है या नहीं, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं दोस्तों. मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी.
इस डेफिनेशन को मैं मिटा रहा हूं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ऑथर जो है उन्होंने, चाहे आप इंडियन ऑथर की बातें कर लें दोस्तों या फॉरेन ऑथर की बातें कर लें, उन लोगों ने कुछ अपने जो डिफाइन कराया दोस्तों किसी पर्टिकुलर थ्योरम, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, तो दोस्तों उन्होंने कुछ चीजें साइलेंट रख दी है कि इसका मतलब है कि यू आर वेल अंडरस्टूड। लाइक जैसे मैंने थर्ड चीजें लिखा कि G1 एंड G2 मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर, तो दोस्तों इसका अर्थ है उसने वेल डिफाइन करके लिख दिया है कि दोनों का जो ऊपर वाला डेफिनेशन है, ऊपर वाला जो प्रॉपर्टी, अगर उस चीज को आप सही से अप्लाई करते हैं तो थर्ड वन मस्ट बी ऑटोमेटिकली कम, ठीक है ना दोस्तों। बट मुझे लगता है कि व्हेन यू आर हैविंग इन गुड टच देन समथिंग इज रियली हैपनिंग, लाइक ये जो थर्ड वाला था दोस्तों ऑटोमेटिकली आप रीडिफाइन कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि यू मस्ट रीडिफाइन सम डेफिनेशंस इन योर ओन वर्ड्स, है ना। आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करके अगर उसको चीजों को कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ज्यादा दोस्तों उसके एप्लीकेशंस पॉसिबल है, ठीक है ना। क्योंकि हर एक ऑथर की दोस्तों अपनी फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नोशंस को अपने वर्ड्स के थ्रू रखा है और कुछ चीजें वो अपने लेवल पे चीजों को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा कंसर्न था, अदरवाइज आप, मुझे उम्मीद है कि इस लेवल पे आप लोगों को बहुत अच्छी समझ डेवलप होगी। दोस्तों Z4 की बातें करा तो काफी अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि Z4 लिया तो इसका ऑपरेशन क्या होगा। दोस्तों पहले का हम लोग बात करते हैं, इसका है इंटीजर मॉडुलो 4 या एडिशन मॉडुलो 4, और दोस्तों ये रहेगा तो ये क्या चलेगा दोस्तों, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, इसका दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर मॉडुलो 2 पे ये वर्क करेगा दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक 2 कैरेक्टरिस्टिक 4, देख रहे हैं इसका दोस्तों नेचर अलग है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी बात आप लोग सीख सकते हैं दोस्तों, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है और इसका दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, जब प्रोडक्ट के रूप में होता है तो एलसीएम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, तो ये हम लोग लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2.2, सो दैट इज 2, सो बोथ का नेचर डिफरेंट है। तो एक बात तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, वन ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज फेल्ड, so entirely isomorphism is going to be failed, so no need to worry, but हम लोग अच्छे से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले तो ये बातें समझ में आ गई कि ये hold नहीं करता है ना, both are different of characteristics, है ना, पहले बात हो गया दोस्तों। second हम लोग चर्चा करते हैं order क्या है दोस्तों, order of Z4 is 4, no problem, moreover order of Z2 cross Z2 is also 4, है ना, 2 into 2 हम लोग product के रूप में लिखते हैं दोस्तों। जब भी हम लोग दो ग्रुप के प्रोडक्ट की बातें करेंगे दोस्तों इस टाइप का, तो उसको अलग अलग कर देंगे, ऑर्डर ऑफ G1 इनटू ऑर्डर ऑफ G2, तो दोस्तों ये चीज को डेफिनेटली आप याद रखें, इस चीज को मेमोराइज कर लें। तो थोड़ा मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि ज्यादा उधर तो नहीं हम लोग जा रहे हैं, नहीं दिस इज ओके, ठीक है दोस्तों। तो ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 दोनों का अलग अलग कर लीजिए, 2 into 2 बिकम्स 4, सो दिस इज ओके, है ना, कि दोनों का ऑर्डर सिमिलर है। थोड़ा दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर में भी चलते जाएं, ये क्या है 0 1 2 3, थर्ड की हम लोग बातें कर लेते हैं दोस्तों, एलिमेंट के ऑर्डर की ये है दोस्तों, और इसमें आइए आप Z2 क्रॉस Z2 में, तो आपको पता है दोस्तों कि Z2 के एलिमेंट जो हैं क्या है दोस्तों 0 1, और जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे Z2 क्रॉस Z2 का करेंगे, 0 1 ले लीजिए, 0 1 ले लेते हैं दोस्तों, इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा दोस्तों, 0 1 0 1 1 0 एंड 1 1, बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करें, एक एक स्टेप को समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप अच्छे से मस्ती से एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से इस नोशंस को समझते जाए कि व्हाट इज द नोशन बिहाइंड सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड व्हाई CSI नेट एंड गेट आस्क सच टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, है ना, व्हाट डज CSI नेट डिमांड्स फ्रॉम अस, है ना, मतलब उसकी क्या चाहता है, उस क्या हमसे पूछना चाहता है दोस्तों, उसके पीछे के चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़े नोशंस छिपे रहते हैं, हम चाहे उसको शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व कर दें, अदरवाइज हर एक क्वेश्चन के पीछे का एक अपना क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो ये देख लिया आपने, नाउ कम टू द ऑपरेशन क्या है दोस्तों, 4, इसका इंटीजर मॉडुलो 2 है दोस्तों, है ना, कैरेक्टरिस्टिक 2 है। चलिए
ये क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा हमेशा वन होता है। आपने पढ़ रखा है कि दोस्तों ए इक्वल्स टू, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ, है ना, तो क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज वन। और ये इफ एंड ओनली प्रॉपर्टी चलता है, तो इस चीज को जल्दी जरूर मेमोराइज करें। नाउ ऑर्डर ऑफ वन, वन का ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक फोर के कोरस्पॉन्ड वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, मॉडुलो फोर, मॉडुलो फोर, मॉडुलो फोर ऑपरेट करेंगे तो फोर आएगा, एंड फोर इज इक्विवेलेंट टू जीरो मॉडुलो फोर। सो वन को आपने कितने टाइम ऑपरेट करा है दोस्तों, फोर टाइम, सो कैन आई राइट फोर इंटू वन, है ना, इक्वल्स टू जीरो मॉड फोर। और जीरो क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी है ना। तो ये क्या दिया आपने, ये लर्न करा था दोस्तों ये वाला प्रॉपर्टी, if a comes n times gives identity then order of a becomes n, so that's why order of 1 becomes 4। ये दोस्तों मैंने बहुत बेसिक्स बातें बोला है, डेफिनेटली आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया दोस्तों, नाउ कम टू द ऑर्डर ऑफ 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2, मैं लिख देता हूं यहां पे 2 कैसे आएगा उसकी बातें करते हैं दोस्तों। ये ऑपरेशन क्या चलेगा, 4 वाला, ये आपको जनरल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों, ये वाला ऑपरेशन चलेगा। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, ये वाला 2 plus 2 becomes 4 and 4 can be written like 0 modulo 4, है ना। जब भी 4 के, actually 4 से divide करते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या options होता है remainder का, या तो 4n के टपल में आएगा, या 4n plus 1 बनेगा, या 4n plus 2 बनेगा, या 4n plus 3 बनेगा। तो ये remainder क्या देता है, 0 दोस्तों ये देता है, 1 ये देता है, 2 ये देता है, 3, और यही these are the collection of the elements, these are exactly 0, 1, 2, 3 that gives the residue classes के लिए, remainder modulo remainder, है ना, remainder classes के लिए, जो भी आपको बोलना है दोस्तों इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, तो दोस्तों इसको हमने ऐसे लिख दिया। चलिए दोस्तों अब आगे, तो 2 का ऑर्डर आ गया दोस्तों 2, है ना, 3 का मिल गया, नाउ कम टू द ऑर्डर ऑफ 3। देखिए दोस्तों 3 को एक टाइम ऑपरेट करा, 3 नेवर गिव्स आइडेंटिटी, 2 टाइम ऑपरेट कीजिए, 6 6 is not the multiple of 4, so we need to go another steps like, दोस्तों 4 है, दोस्तों 3 लेट प्रिंट दीजिए, 9, 9 is again not the multiple of 4, so and we are going to one step ahead, now this becomes 12, so 12 can be written like 4 into 3, so this is the multiple of 4, so I can write 0 modulo 4, so now this becomes 3 is operated 4 times, so order of 3 gives 4, ठीक है। तो दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, इसको मिटा के मैं थोड़ा सा इसी को लिख देता हूं, आप अच्छे से और डेफिनेटली बहुत अच्छे से वॉच करें और अपने आइडियाज अपने नोशंस को जबरदस्त बनाते जाएं। चलिए दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई, अब मैं इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूं। हाँ दोस्तों ये क्या है हमारे पास, so order of 0 is दोस्तों 1 being identity element, for non identity element they are containing different from 1, order of 1 is 4, order of 2 is 2 and order of 3 is दोस्तों 4, so what we are having, what is the observation of order of element in this group is what, we are getting exactly one element of order 1 and two element that is 1 and 3 is of order 4 and there is just exactly one element of order 1, so we are getting exactly one order of elements 1, exactly one element of order 2 and exactly two elements of order 4 दोस्तों। और बहुत अच्छे से दोस्तों इसके notions को समझने की भी जरूरत है कि since group का order 4 है, that is cyclic group, दोस्तों क्या है ये, cyclic group, why this is cyclic, because order of group is 4 and we are having element of order 4, so if we are getting exact at least one element of order 4 that is order of group ke equal ho jaye dosto to hum log bolte hain group is generated by that elements and group is said to be cyclic, is this okay, okay। to ye dosto aapko bahut acche se samajh mein aa gaya ki group cyclic hai aur iske jo structure hain elements ke order ye sare rakhe honge, if this group contains exactly the same scenario happening with the first group, that is characteristics should be same, order of group should be same and the elements containing this group contains the exactly the order of elements having in this group,
देन वी कैन से बोथ ग्रुप्स विल बी सिमिलर, अदरवाइज नो सिमिलर नहीं कह सकते, आइसोमॉर्फिक सिमिलैरिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ की बातें करते हैं, व्हाई दिस इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू, तो हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न करेंगे फील्ड में दोस्तों, इसमें भी हम लोग रिंग थ्योरी में भी बहुत अच्छे से लर्न करें। देखिए इसका तो ऑर्डर टू है, इसका ऑर्डर भी टू है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना हमने सिखाया था आप लोगों को कि प्रोडक्ट के रूप में होता है, तो वी नीड एलसीएम ऑफ बोथ ग्रुप, है ना, ऐसे लिखते हैं। उसमें रिंग की बातें करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका ऑर्डर हम लोग डबलेट में ऑर्डर कैसे लेते थे, तो ये अपने ग्रुप में, इसमें ऑर्डर इसका क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी है, तो वन ऑर्डर है इसका दोस्तों, ऑर्डर वन है, और हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, तो इसका ऑर्डर बनेगा वन, हो गया ना दोस्तों। इसका ऑर्डर अपने ग्रुप में वन है, वन का ऑर्डर इसके अपने ग्रुप में टू है दोस्तों। हो सकता था जेड, मजा तो तब आता जेड फोर जेड थ्री दे देता, डिफरेंट रहता तो मजा आता करने में, सिमिलर है तो प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हम एलसीएम लेंगे तो वन और टू का एलसीएम टू दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं, वन का ऑर्डर इसके अंदर टू है, जीरो है ना, वाई दिस इज ऑर्डर ऑफ वन इज टू, वाई बिकॉज वन प्लस वन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अप्लाई करेंगे दोस्तों, सो टू दैट इज मल्टीपल ऑफ टू, सो दैट बिकम्स जीरो मॉडुलो टू, है ना। सो ऑर्डर ऑफ वन इज दोस्तों टू, और ऑर्डर ऑफ जीरो दैट इज जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दे कंटेनिंग एग्जैक्टली वन ऑर्डर, सो डैट। So, हो गया दोस्तों, नाउ कम टू दिस वन, ऑर्डर ऑफ वन इज टू, ऑर्डर ऑफ जीरो इज वन, एंड यू हैव टू टेक द एलसीएम, सो व्हाट बिकम्स दोस्तों टू। नाउ कम टू दिस वन, ऑर्डर ऑफ वन इन दिस ग्रुप इज टू, ऑर्डर ऑफ टू इन दिस ग्रुप इज, सॉरी वन इन दिस ग्रुप इज टू, नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम, सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू कॉमा टू, सो टू। सो नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन दोस्तों, तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, इस चीज को हम लोग अच्छे से मेमोराइज करते हैं। तो पहले तो इसका समझ लेते हैं दोस्तों कि आपने क्या देखा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फोर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टू है, डिफरेंट बिहेवियर रख रहा है, चलिए अच्छी बात है दोस्तों। इसके बारे में और भी समझते हैं, इससे क्या क्या मिला हमारे ऑब्जर्वेशन, ये साइक्लिक मिला, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर इन दिस ग्रुप, वी आर हैविंग ऑर्डर ऑफ जीरो कॉमा जीरो इज वन, एंड ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ए दोस्तों लिख देता हूं, या ए कॉमा बी लिख देता हूं, is 2 for all a comma b, a comma b दोस्तों मैं लिख देता हूँ is different from g, b zero is different from this, थोड़ा अच्छा लगने के लिए कि दोस्तों हमारे लेवल पे चीजें अच्छे से वो हाँ उस notions को हम समझें। इसका मतलब है दोस्तों आइडेंटिटी का ऑर्डर तो वन है, लेकिन सारे नॉन आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है दोस्तों, टू लिखा हुआ, बेसिकली ये बातें लिखी हुई है कि आइडेंटिटी का सिर्फ ऑर्डर वन आया और नॉन आइडेंटिटी का एलिमेंट टू है। नाउ What is the problem with this group? Why this does not form a group, form an isomorphic group, दोस्तों? इसमें क्या है? Two order का एक ही element है. How many elements of order two in this group? Exactly two. But इसमें दोस्तों, इसमें क्या है? Number of element of order one is one. इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये पहले मैं Z4 की बातें कर देता हूँ, Z2 cross Z2 में. Compare. और इसमें दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन इज वन दोस्तों, थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा होगा बट एक बार समझ लें उसके बाद तो डेफिनेटली आगे हम लोग बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू दोस्तों कितना है, टू ऑर्डर का इसमें वन एलिमेंट है, इसमें कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इज एग्जैक्टली थ्री। सो वी आर हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ग्रुप्स, सो आइसोमॉर्फिज्म इज फील्ड, ठीक है ना। और भी कुछ अच्छे चीज समझ लेते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, सो थ्री डज नॉट डिवाइड फोर, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, समझ आ रहा है ना दोस्तों, ग्रुप का ऑर्डर जितना होगा उसके सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर के ही एलिमेंट्स के ऑर्डर पॉसिबल हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फोर दोस्तों कितना हमारे पास, टू है। इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर इन दिस ग्रुप इज लड्डू, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी आर हैविंग डिफरेंट, है ना। बहुत सारे ऐसे दोस्तों हमारे काउंटर एग्जांपल मिल गए जो इसके नॉन आइसोमॉर्फिज्म को फेल करेगा, फोर ऑर्डर का इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि आइसोमॉर्फिज्म बोलता था कि हर एक ऑर्डर के जितने एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे इतने इसमें भी एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये सब बहुत सारे आ गए दोस्तों, दिस इज व्हाट अ साइक्लिक ग्रुप, है ना, बिकॉज इसमें फोर ऑर्डर का एलिमेंट्स है, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। Why this is not a cyclic group? Because the order of this group is 4, but there does not exist any element of order 4. That's why this may not be a cyclic group, but this is a cyclic group. ये हो गया दोस्तों, और भी समझ लीजिए।
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप इज 4, इधर क्या है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक 2 है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इतना अच्छा से चीजें समझ में आ गया होगा कि आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्तों इस चीज को समझने में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। तो यहां से क्या चीज मिला दोस्तों कि दिस इज, क्या ये साइक्लिक ग्रुप हो आइसोमॉर्फिक ग्रुप होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये दोस्तों समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आस्क्स जेड एट आइसोमॉर्फिक है Z4 क्रॉस Z2 Z2 क्रॉस Z2 है कि नहीं। चलिए दोस्तों समझते हैं, तीनों डिफरेंट ग्रुप को समझ लेते हैं। G1 G2 दोस्तों G3 मैंने लिख दिया। नाउ कम टू द Z8 का ऑपरेशन क्या होगा दोस्तों? एडिशन मॉडुलो 8, ठीक है। नाउ कम टू द Z4 क्रॉस Z2। ये दोस्तों ऑपरेशन क्या होगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों? 4 है, तो हम लोग 4 ऑपरेशन पे इसको वर्क कराएंगे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का 4 रहेगा तो ऑपरेशन चलेगा हमारा एडिशन मॉडल 4। और दोस्तों ये जो रहेगा ये Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 चलेगा, और इसका ऑपरेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों कितना? 2। तो एडिशन मॉडल 2 पे वर्क करेगा। यहां तक दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाए, ठीक है दोस्तों। हाँ दिख जाएगा दोस्तों, नो प्रॉब्लम इज देयर। नाउ कम टू दिस वन, क्या तीनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक है कि नहीं? तीन ग्रुप दे दिया एंड वी हैव अ क्वेश्चन, वी आर हैविंग सम क्वेरीज अबाउट द ट्रिपलेट ग्रुप, दे कैन बी आइसोमॉर्फिक और नो। सो द सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट, दे मस्ट हैव द ऑर्डर सिमिलर, है ना, दे मस्ट कंटेन ऑर्डर ऑफ G1 = G2 = G3, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, G1 G2 G3 मस्ट हैव द सेम बिहेवियर, देयर नेचर शुड बी सेम इफ दे ऑल आर द साइक्लिक एंड कंटेनिंग द प्रॉपर्टी दैट द ऑल एलिमेंट्स, अ पॉसिबल ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सिमिलर इन ऑल ग्रुप्स, इफ इट डज देन वी आर सेइंग G1 G2 G3 मे बी आइसोमॉर्फिक अदरवाइज नो। वर्क करते हैं दोस्तों। पहले तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये 8 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दोस्तों कितना? Why I'm writing characteristic of this? Because LCM of 4,2 becomes, LCM of 4,2 becomes 4. इसका कैसे लिखेंगे? LCM of characteristic is what दोस्तों? LCM of 2,2,2. So that's why. So they are having different behavior. ठीक है ना दोस्तों? So they never be isomorphic. तो आप लोग पेपर में तो एक बार ऐसे लिख के भाग जाएंगे, पेपर को एक सेकंड करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। आईआईटी जेम वाले बच्चे तो बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनको तो ऐसा ही क्वेश्चन दिखता है ना दोस्तों, उनके पास ऐसा ही क्वेश्चन ही आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि बताए कौन सा ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। पर दोस्तों हम लोग जब इसको एक्सटेंड करेंगे CSI नेट और गेट पे, तो थोड़ा सा हम लोगों को वहां पे मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। दे हैव अ डिफरेंट नोशन व्हाई दे आर आस्किंग CSI नेट एंड गेट आस्किंग क्वेश्चंस, तो उसके पीछे का थोड़ा कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन का लेवल अलग रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, डिफरेंट बिहेवियर रख रहा है, दैट्स व्हाई दे नेवर बी आइसोमॉर्फिक, फर्स्ट वन। सेकंड दोस्तों ये क्या है? साइक्लिक। अच्छे से देखते जाइए, दिस इज साइक्लिक। ये क्या है दोस्तों? अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। अब इसी चीज को हम लोग आगे समझेंगे, व्हाई दिस इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। और दोस्तों इस वाले में भी आइए, ये भी है अबेलियन तो है बट नॉन साइक्लिक। थर्ड की बातें कर लेते हैं दोस्तों, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑर्डर ऑफ देख लीजिए, ग्रुप क्या होगा दोस्तों? ग्रुप का ऑर्डर 8 है। इसमें प्रोडक्ट का भी कैसा लिखा जाता है? डायरेक्ट प्रोडक्ट में दोस्तों ऑर्डर ऑफ दिस इनटू ऑर्डर ऑफ दिस, सो ऑर्डर क्या होगा? 4 × 2, सो 4 × 2 बिकम्स 8। चलिए इसमें भी आते हैं, सबका ऑर्डर का अलग अलग कर देंगे, 2 × 2 × 2, सो दैट्स व्हाई 2³ बिकम्स 8। सो ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम हैविंग द सिमिलर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स, दे आर कंटेनिंग एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप G1 G2 एंड G3, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू द फोर्थ वन,
I am not making some different or extra redefinition in the actual definition of the some morphism, but we are containing some listing. That's why you are having a good notion, and they must be seen. ऐसा दिखे दोस्तों कि ये चीज ऐसा हो रहा है. Now come to the fourth one. What is the element of this group? Zero addition modulo चलेगा दोस्तों, तो का zero से लेके n minus one तक है ना, तो zero से लेके seven तक चलेगा. 3, 4, 5, 6 and 7. And what is the operation दोस्तों? Integer modulo 8. Okay? हम लोग बातें भी कर लेते हैं डायरेक्ट. What is the order of this element? अब लोग दोस्तों, हम लोग दोस्तों कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में वर्क करा था, उस चीज को आप लोगों को डेफिनेटली याद रखना है. इसको भी लिखने का पहले तो यही कर लेते हैं दोस्तों. ये क्या है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही वन होता है, सो नो नीड टू वरी. वन का ऑर्डर, वन को कितने टाइम ऑपरेट करेंगे कि एट का मल्टीपल होगा. एंड वी मस्ट हैव द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट मस्ट दैट शुड बी इन रिटन इन टर्म्स ऑफ 8m एंड m समथिंग द पॉजिटिव इंटीजर. तो दोस्तों 8 1 8, 1 को 8 टाइम करेंगे, ये मत बोलिए जैसे 1 को 16 टाइम करेंगे तो दिस इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 8, बट वी मस्ट हैव द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट कम्स द फर्स्ट टाइम दोस्तों. सो 8 1 जा हम करेंगे, 8 2 जा ना करेंगे दोस्तों, तो उसमें आप मत चले जाइएगा. तो दोस्तों है ना, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 8. 2 का 4 टाइम करेंगे तो 8 हो जाएगा, सो ऑर्डर इज 4. 3 को कितने का टाइम करें दोस्तों, 3 4 जा 12, but 12 is not the multiple of 8, so 3 8 जा दोस्तों, तो order should be 8. 4 का करेंगे 4 2 जा 8, order should be 2. 5 का करेंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, 8 5 जा 40, that is multiple of 8. 6 को करेंगे दोस्तों, तो 6 में क्या आएगा, 12 18 24 is the multiple of 8, so 12 6 को कितने का time करेंगे दोस्तों, 4 time. 6 into 4 becomes 24, that is 8 into 3, है ना, 8 का मल्टीपल आ गया, तो इसको हमने 4 टाइम ऑपरेट करा. 7 का दोस्तों 8 बन जाएगा, बिकॉज 8 7 जा 48, दैट इज मल्टीपल ऑफ 8. ये बन गया दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, आपको मिल गया. ये क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, वन ऑर्डर 8 ऑर्डर. तो इसके देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक चीज और मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 दोस्तों 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितना है दोस्तों, 2. एक बार देखिए दोस्तों, गेट में क्वेश्चन पूछा था और डीयूपीएचडी में पूछा था कि बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया था, पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितना हो, तो कितनी मूर्खता वाली बातें हो गई, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए. सिंस 5 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सो देयर नेवर नेवर एवर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर है ना 5, है ना, तो ये हो ही नहीं सकता दोस्तों, है ना, पॉजिटिव डिवाइडर शुड बी देयर. और ऑर्डर ऑफ दोस्तों 8 का क्या हो जाएगा, देखिए 5 8 का बिकम्स 5 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, तो ये हमारा 4 आ गया. देखिए एक वर्ड मैंने बोल दिया दोस्तों कि 5, तो यही दोस्तों अभी नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है कि व्हाई इन साइक्लिक ग्रुप वी आर हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर लाइक डी इज एग्जैक्टली 5, व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस वन. So this question may be arise at some different notions at the PhD level or different scenario. So we must have very good knowledge of some things like the order of elements, order of group, characteristics, cyclic, non-cyclic, abelian, non-abelian. So these are the properties I have written in terms of like this one. ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आ गई. दोस्तों ये cyclic था, that's why we are talking about the number of element of order 1, that becomes 5 1, number of elements of order 2 becomes 5 2, that is 1, number of elements of order 4, that is 5 2, that is 2, 5 4, that is exactly 2, and number of element of order 8 in z 8 is exactly 5 8, that becomes 2 to the power 4 minus 2 to the power, so 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 becomes exactly 4. We can say this formula, we can apply this formula, why? Because this is a cyclic group. So this formula is applicable only in terms of the cyclic group, but abelian group does not have this property if they are abelian but non-cyclic. So we must have very good notions dostom. Now come to the this one. Now we are listing about the elements and how does this look like, z4 into z. So dostom, how many choices it has? So z4 has 4 choices, 0 1 2 3. It has exactly 2 choice, 0 1. Now you have to make doublet from this
elements. So what should be the doublet? 0, 0, there is one choice, 1, 0. Take like this one, 2, 0, 3, 0. Now come up with 1. So can I write, dosto 0, 1. So write down like this one, 1, 1. Is this okay? 2, 1 and 3, 1. You can write like this one in a different rows. But I have to write dosto order. That's why I have written in terms of. Now, when you are going to write the order of the elements, then how we can write order of element in product group, दोस्तों, because आपको क्या करना है कि इस दोनों का अपना अलग-अलग order लेके LCM लेते हैं, जैसा मैंने दोस्तों इससे पहले वाले questions में करवाया. So we are using this one. इसका दोस्तों order one है, इसका order one है ना? One order है, इसका LCM क्या आ जाएगा दोस्तों? One. इसका order one हो गया. Now come to the second one. 1 का ऑर्डर 4 के अंदर 4 है, 0 का ऑर्डर हमेशा आइडेंटिटी है 1 होता है. नाउ टेक द एलसीएम, व्हाट शुड बी दोस्तों 4. नाउ कम टू दिस वन, 2 का ऑर्डर 4, z4 के अंदर 2 है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है. नाउ टेक एलसीएम, सो दिस बिकम्स 2. नाउ कम टू दिस वन, 3 का ऑर्डर 4, दोस्तों जीसीडी ऑफ 3, 4 बिकम्स 4, सॉरी जीसीडी ऑफ 3, 4 बिकम्स आइडेंटिटी, सो ऑर्डर ऑफ 3 मस्ट बी 4. तो दोस्तों इसका ऑर्डर 4 है, आइडेंटिटी ये हो गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने दोस्तों 4 आ गया. नाउ कम टू दिस वन, आइडेंटिटी कंटेंस ऑलवेज ऑर्डर 1, सो राइट डाउन 1. 1 हैज ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप बिकॉज़ दिस इज द सेकंड टपल ऑफ दिस ग्रुप, सो कैन आई राइट 2. नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम, सो दिस बिकम्स 2. नाउ कम टू दिस वन, 1 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. नाउ 1 हैज ऑर्डर 1 इज द फर्स्ट element, 1 is element of this group, while second element is of this group. So 1 has order 4 in this group, so write down 4, and 1 has order 2 in this group, so write down 2. Now you have to take the LCM, so LCM of 4, 2 becomes 4. Sorry dosto, maine 2 likh diya. So can I write like this one. Now come to the this one. So dosto 1 iska dekh lein, order of 2 in this group is 2, order of 1 in this group is 2. So take LCM, so that becomes 2. And now come to the last one. Order of 3 in this group is 4, because GCD of 3, 4 is 4. So exactly the order of 3 is 4. And order of 1 in this group is 2, so write down like 2. Take the LCM. So what we are having in this group? Actually the group has exactly 8 order, but the element of order, possible order of elements is what? Possible order of elements. Kya hai dosto? Either it is of 1 order, 2 order, 4 order. But there does not exist any element of order 8. Is this okay dosto? Order of element kya hai? 1 to 3 hai, 1 to 4 hai dosto, but 8 order ka ek bhi element exist nahi kar raha hai. But isme 8 order ka element exist karta tha. मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ रहे होगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इसको समझाते हैं दोस्तों. इसका देख लीजिए जरा, 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखेंगे तो देखिए इसमें इसके पास में 0 1 0 1 0 1 चॉइस है, तो मैं डायरेक्ट दोस्तों लिख देता हूँ इसके पास क्या क्या बनेगा. एक तो 0 1 बनेगा, एक 0 1, सॉरी दोस्तों 3 है तो 3 टाइप का चलेगा, ट्रिपलेट चलेगा 0 0 1, है ना. इसके पास दो ही चॉइसेस है, 0 या 1 रखेगा दोस्तों. एक इसके पास ये चल सकता है, 1 का डिफरेंट नोशंस ले लीजिए अलग अलग जगह पे दोस्तों, ये आ जाएगा एक तो 1 0 0. अब दो दो ले लीजिए दोस्तों, 1 1 0 1 0 1, और दोस्तों क्या क्या बन सकता है, 0 1 1 दोस्तों, ये हो गया. तो 1 2 3 4 5 6 7, और दोस्तों एक लास्ट में 1 1 1, ये बन जाएगा. ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, तो बहुत बच्चा वाला है. आइडेंटिटी है दोस्तों इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर देखिए 2 है, और इस सबका ऑर्डर 1 1 1 1 2 है. ऑर्डर क्या रह जाएगा, 2. इसमें भी डायरेक्ट लिख देता हूँ इससे 2 सर दोस्तों, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, और इसका भी 2. सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है दोस्तों, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, इधर 1 और 2, ठीक है ना. और यही फील्ड थ्योरी में दोस्तों, जो फाइनाइट ग्रुप फाइनाइट फील्ड थ्योरी की बातें करेंगे, वहां पे ये बहुत धमाका किया है दोस्तों, बहुत ज्यादा धमाका किया है फाइनाइट फील्ड थ्योरी में.
तो क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इस ग्रुप के पास ए वन और टू एलिमेंट का ऑर्डर है, इसके पास क्या है दोस्तों फोर ऑर्डर का भी एलिमेंट नहीं है और एट ऑर्डर का भी एलिमेंट नहीं है ना। तो ये तो पहले बोल दिया इसमें एट ऑर्डर का है, इसमें एट ऑर्डर का नहीं है, तो ये पहले खत्म हो गया है ना दोस्तों। दिस ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर बट दिस डज नॉट कंटेन्स एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर, ठीक है। तो बोथ आर नॉन आइसोमॉर्फिक, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों कि G2 जो है वो नॉन आइसोमॉर्फिक है G3 से, चलिए अच्छी बात है। नाउ टॉक अबाउट G1 एंड G3, क्या G1 G3 के आइसोमॉर्फिक है? दे नेवर बी पॉसिबल, इट हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2, 4 एंड 8, दे ऑल आर हैविंग, है ना दोस्तों, इसके पास हर एक किस ऑर्डर का एलिमेंट है ना। इसमें देखिए इसका इसका है, इट डज नॉट हैव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4 एंड 8 बट इट हैज, so that's why G1 and G3 never be isomorphic. Now come to the G1 and G2. दोस्तों, it has element of order 1, 2, 4 and 8 because this is the cyclic group, but it has no element of order 8. So G1 never be isomorphic to G2. So what we are having some very good observation दोस्तों कि G1 is cyclic but this and this group is not cyclic. So what is the behavior in both non-cyclic groups दोस्तों? It has element of order 4 but it does not have element of order 4 or 8, है ना? It has maximum element of order is 2, it has maximum element of order is 4, it has maximum element of order 8. So this is the very good properties of this group. Now दोस्तों एक चीज और लर्न करते हैं कि दोस्तों ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है दोस्तों अबेलियन, ये क्या अबेलियन, चलिए सब का हमने चर्चा कर लिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छे से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो व्हाट इज दोस्तों हमारे पास क्या है, दिस मे नॉट बी आइसोमॉर्फिक, दिस मे नॉट बी आइसोमॉर्फिक, इज दिस ओके दोस्तों? दोस्तों देख ले इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग भी लग के और जम के मेहनत करें। दोस्तों देखिए इस ग्रुप की हम लोग बातें करते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा थर्ड को हम लोग देख रहे हैं कि इस दिस आइसोमॉर्फिक और नॉन। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसमें एलिमेंट क्या होगा, देखिए ऑर्डर क्या है दोस्तों इसका, ऑर्डर तो 12 है, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 12 और ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज ऑल्सो फैक्टोरियल 4/2 दैट इज 12, सो वन वे इज ऑब्वियस ऑर्डर ऑफ जेड 12। चलिए नाउ कम टू द सेकेंड वन, ये दोस्तों क्या है, साइक्लिक है। नाउ कम टू दिस वन कि इज ए फोर इज साइक्लिक, दोस्तों ए फोर क्या है, सब ग्रुप ऑफ एस फोर, ए फोर क्या है दोस्तों, ए फोर इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस फोर और एस फोर के एलिमेंट का बिहेवियर कैसा रहता है दोस्तों, फोर का पार्टीशन करेंगे तो 5 होगा, दे द एलिमेंट ऑफ एस फोर लुक लाइक ऑफ द फोर साइक्लिक लाइन, 3 लाइन स्टेप का रहेगा, 1 फिक्स करेगा, 2 का रहेगा और इस टाइप का हमको एलिमेंट दिखेगा दोस्तों। इसके बारे में बहुत बहुत अच्छे हमने वीडियोस बनाए हैं एसएन ग्रुप पे। दोस्तों ये क्या है, 4 लेंथ का रहेगा, लाइक 1, 2, 3, 4 टाइप का रहेगा, तो इसमें कितने ट्रांसपोजिशन पॉसिबल होंगे, एक लेस करेंगे दोस्तों 3 ट्रांसपोजिशन पॉसिबल होगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 ट्रांसपोजिशन। हमने बोला था इफ वी आर हैविंग एग्जैक्टली नंबर ऑफ, इफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देन परमुटेशन बिकम्स ऑड, इफ वी आर हैविंग एनी परमुटेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ परमुटेशन सॉरी ट्रांसपोजिशन देन दिस बिकम्स इवन परमुटेशन, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ द ट्रांसपोजिशन, सो दिस इज ऑड बिकॉज 3 इज ऑड। इसका करेंगे दोस्तों ये तो फिक्स है, इसका एक लेस कर दीजिए है ना, 3 में 3 लेंथ के साइकिल में 2 ट्रांसपोजिशन बनेगा, तो ये 2 ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन ऑफ है 2 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है, सो 2 इज इवन नंबर सो दैट्स व्हाई इट इज इवन। ये देखिए दोस्तों 2 लेंथ का, तो ये भी ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन इज अगेन ट्रांसपोजिशन बिकॉज 2 ट्रांसपोजिशन की बातें करी जा रही है, इसमें एग्जैक्टली 1 ट्रांसपोजिशन है, कितना ट्रांसपोजिशन है दोस्तों, 1 ट्रांसपोजिशन है, तो दोस्तों 1 ट्रांसपोजिशन है तो क्या रह जाएगा, ऑड रह जाएगा। मैंने कुछ गलत बातें तो नहीं करा दोस्तों, एक ही ट्रांसपोजिशन है तो ऑड है, ठीक है। और दोस्तों ये वाला देखिए कि कितना बन जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी परमुटेशन बन जाएगा, तो दोस्तों ये आइडेंटिटी है तो हमेशा ही इवन परमुटेशन रहेगा।
कुछ मैंने प्रॉब्लम तो नहीं करा। फैक्टोरियल 4 बाय 4 24 बाय 4 कितना होता है दोस्तों? देखिए इस वाले ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, 24 बाय 4 बिकम्स 6। और इस ऑर्डर का इसका भी देख लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग बातें कर लेते हैं, इसमें भी करते हैं उसमें भी दोस्तों। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। नाउ कम हाउ वी कैन फाइंड द ऑर्डर दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों ऑर्डर कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट यूज करता हूं दोस्तों फॉर्मूले को। दिस इज साइक्लिक ग्रुप दोस्तों, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एनी पर्टिकुलर ऑर्डर इज एग्जैक्टली इफ डी डिवाइड्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इज 5, है ना, बिकॉज बीइंग साइक्लिक ग्रुप। तो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, वन ऑर्डर का वन एग्जिस्ट करेगा, है ना। वन का ऑर्डर दोस्तों इसके अंदर क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। टू का 6 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 3 हो जाएगा, 5 का दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 का मल्टीपल 12 ही रहेगा, और 12 5 और 12 का जीसीडी 1 है तो इतना ही रहेगा दोस्तों। 6 2 जा 7 का 12 रहेगा, 8 का जीसीडी 8 3 जा तो 24 इज द मल्टीपल ऑफ 12। 9 का दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 9 9 4 जा 36 इज द मल्टीपल ऑफ 12। 10 का दोस्तों कितना बनेगा, 6 टाइम करेंगे दोस्तों, 60 होगा तो 12 का मल्टीपल बनेगा, और ये दोस्तों 11 का 12 रह जाएगा। अब दोस्तों इसकी बातें करते हैं, इस ऑर्डर का हमने देखा ये तो है ही नहीं। देखिए A4 का मेंबर क्या होगा दोस्तों, या तो इस टाइप का रहेगा एलिमेंट, 3 साइकिल का इस टाइप का रहेगा दोस्तों, 1 2 3 टाइप का रहेगा दोस्तों, ये टाइप का, ये इस टाइप का रहेगा, 1 2 3 4 टाइप का रहेगा, या दोस्तों ये वाला आइडेंटिटी रहेगा, है ना, यही रह सकता है। इसके बियॉन्ड इसके पास कुछ भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके पास ये मैंने दोस्तों टाइप लिखा है, सिर्फ यही मत लिख दीजिएगा कि सर इतना ही एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया, जबकि आप ऑर्डर लिख रहे हैं 12। मैं कह रहा हूं इतने टाइप के एलिमेंट रहेंगे, इतने टाइप के कितने एलिमेंट रहेंगे दोस्तों। इसमें देखिए इस ऑर्डर का कितना एलिमेंट रहेगा, तो फैक्टोरियल 4 पहला लिख रहा हूं अपॉन 3 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1, फैक्टोरियल 1। सो ये दोस्तों 24 बाय 3, तो इट गिव्स 8। तो दोस्तों इस ऑर्डर का 8 एलिमेंट रहेगा, तो 8 डिफरेंट एलिमेंट्स यहां लिखे जाएंगे। इसकी बातें करते हैं 2 2 का, सो फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2, सो 24 अपॉन दोस्तों 2 2 जा 4 2 जा 8, सो वी आर हैविंग 3 एलिमेंट। तो इस ऑर्डर का 3 एलिमेंट आपको दिखेगा, है ना, आइडेंटिटी हमेशा 1 ही होता है। तो देखिए दोस्तों 8 3 11 और 1 12, ठीक है, तो 12 एलिमेंट हमको आ गया। अब देखिए दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। वन ऑर्डर के एलिमेंट है 2, 3, 4, 6 और 12 ऑर्डर, सभी ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 क्या सभी ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। डिवाइजर इस सब का पॉसिबल है इसमें, देखिए साइक्लिक में क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप में इफ डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर होगा दोस्तों उसके एग्जिस्टेंस की गारंटी देगा, मोर ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, मतलब ऑर्डर डी के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे गारंटीड है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इज गिवन बाय द फॉर्मूला 5d बीइंग साइक्लिक ग्रुप, किसमें दोस्तों साइक्लिक में, आप जनरल प्रॉपर्टी ये साइक्लिक के बियॉन्ड यूज नहीं कर सकते दोस्तों। ये आपको दिख रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 ऑर्डर का, इसमें तो है 12 ऑर्डर का एलिमेंट, लेकिन इसमें 12 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। मोर ओवर इसमें क्या है दोस्तों, एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, चलिए एलिमेंट का ऑर्डर डिसाइड कर कैसे करेंगे, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 3 और 1 का एलसीएम दोस्तों 3, ये भी हो सकता है, सॉरी 3 और 1 का एलसीएम 3, यस, और 2 और 2 का एलसीएम दोस्तों 2, ये भी होगा, और 2 1 1 का एलसीएम 1, ये भी होगा, सॉरी 2 दोस्तों इसका ऑर्डर 1। तो ये दोस्तों ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, ये देखिए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ये सब हो सकता है। तो 1 ऑर्डर का मिल रहा है 2 ऑर्डर का मिल रहा है 3 का मिल रहा है 4 का, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट मोर देन ऑफ ऑर्डर 4, तो 6 ऑर्डर और इसका एलिमेंट का ऑर्डर नहीं मिल रहा है दोस्तों, समझ आया। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 दैट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सो दिस इंप्लाइज ये क्या होगा दोस्तों, साइक्लिक नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये साइक्लिक इसका
फेल हो जाएगा। मोर ओवर दोस्तों इसमें ये नॉन अबेलियन बनेगा। आप किसी दो एलिमेंट को लेके अगर ऑपरेट करेंगे ए बी डज नॉट गिव्स बी ए, तो यहां से आपको पता लगेगा कि ये दोस्तों नॉन अबेलियन भी है ना। तो आपको दिख रहा है कि दोस्तों इसकी जो आइसोमॉर्फिज्म है वो फेल हो गई। तो ये हमारा दोस्तों इसका आइसोमॉर्फिक प्रॉपर्टी फेल हो गया। ये उम्मीद है मुझे दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीजें। दोस्तों ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं और मैं थोड़ा सा इसको दोस्तों थोड़ा लॉन्ग वीडियोस बना है, तो ये देखते जाइए लास्ट के 3 क्वेश्चन। क्या था जेड 18 स्टार और जेड 6 क्या आइसोमॉर्फिक है या नहीं। जो दोस्तों जेड 18 स्टार को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, याद है आपको जेड एन स्टार कैसे डिफाइन करते थे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x such that x is lying between 1 and n and having a gcd of x comma n, greatest common divisor of the x and n should be 1। सिंपल सी बात है दोस्तों ये कौन सा ग्रुप बन गया, un ग्रुप है ना। un का ये प्रॉपर्टी है यूलेरियन ग्रुप, तो ये हमारा है। इसमें हम लोग कैसे कंटेन करेंगे, कलेक्शन ऑफ ओनली दोज एलिमेंट्स दैट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर विद दिस एलिमेंट शुड बी 1। तो 1 और 18 का जीसीडी 1, 5 18 का जीसीडी 1, यानी सारे जीसीडी 1 वाले एलिमेंट का हमने कलेक्शन किया। दोस्तों इसमें आप देखिएगा तो आप करके देखें, इसका ऑर्डर 1 है दोस्तों, 5 तक कीजिएगा तो आई थिंक कितना आ जाएगा दोस्तों 125 को 18 से डिवाइड करके देखिए कितना मिल रहा है दोस्तों, 125 को 18 से डिवाइड करके देखिए कितना मिल रहा है दोस्तों पावर मॉड कैलकुलेटर। और कैसे यूज करते हैं दोस्तों ये भी जान लीजिए कि a टू दी पावर m इज आइसोमॉर्फिक टू, यहाँ पे कुछ एलिमेंट b में लिख देता हूँ, b मॉड n। आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे 5 का निकालना है तो 5 लिख दें, इस पे आप लोग 1, 2, 3 करके है ना 6 तक आप लिख के चेक करें फटाफट, अपने आ जाएगा दोस्तों कैलकुलेटर पेजी से आ जाता है। और ये b अपने आप यहाँ से निकल के आएगा, मॉड 18 ऑपरेट करें दोस्तों, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग पावर मॉड कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, तो वहां से आपको पता लग जाएगा किसका ऑर्डर क्या है। लेकिन दोस्तों आप करेंगे तो ये सारे ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, मोर ओवर उतने ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जितना जेड सिक्स में है। तो जेड सिक्स क्या है, जेड 12 आपको बताया, तो ये बहुत इजी है आपके लिए। तो दोस्तों ये जब आप करेंगे तो दोस्तों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी होगा, ऑर्डर भी सेम होगा, बोथ आर साइक्लिक, सो दैट्स व्हाई आइसोमॉर्फिक। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। नाउ कम टू द फिफ्थ वन दोस्तों, आर प्लस और आर स्टार, ये दोस्तों ने पिछले ही है ना ग्रुप लेक्चर में इसकी चर्चा करा था दोस्तों। आर प्लस क्या होता है, इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, नो नीड टू से। आर के पास दोस्तों आइडेंटिटी है, उसका ऑर्डर 1 होगा, और जितना भी अदर एलिमेंट होगा दोस्तों, जैसे लाइक 2 है, 2 प्लस 2 प्लस, कितने टाइम ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी देगा जो दोस्तों 0। सो यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी फाइनाइट एन सच दैट एन ए इक्वल्स टू 0, इसलिए हम इसका ऑर्डर बोलते हैं इंफिनिटी। मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होगा, order of identity is 1, but order of all distinct element from the identity gives infinity. तो 1 और infinity order का element exist करेगा। इसमें देखिए, इसमें दोस्तों क्या होगा, 1 का तो identity का, ये देखिए कौन सा group है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका identity था 0 दोस्तों, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, addition model के respectively काम करेगा दोस्तों। इस वाले केस में क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 1 तो 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ऑर्डर ऑफ -1 कीजिएगा, -1 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो दोस्तों ये 2 आ जाएगा। मतलब 1 और 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करा, उसके बियॉन्ड जितना भी एलिमेंट होगा दोस्तों, उसके बियॉन्ड जितना भी एलिमेंट होगा ए टू दी पावर वो इन्फिनिटी देगा, और ए मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम -1 एंड +1, ये सारा दोस्तों आपको इन्फिनिटी ऑर्डर देगा। तो 1, 2 एंड इन्फिनिटी रहेगा ऑर्डर। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ग्रुप का ऑर्डर इन्फिनिटी है, इज इट ओके। ओके दोस्तों इसमें क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलेंगे कि साइक्लिक है दोस्तों, साइक्लिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन इसमें करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आइसोमॉर्फिज्म फेल। नाउ कम टू द दिस वन दोस्तों, ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी दोस्तों। ये भी हमारा साइक्लिक है,
और इसका ऑर्डर भी 5 है। ये भी दोस्तों nth root of unity always form a cyclic group है ना, this is the very basics from the BSc first year दोस्तों, आपने complex analysis में ही पढ़ा है कि nth root of unity always form a cyclic group, तो ये भी cyclic और cyclic। Two groups, two cyclic group of order finite, दोस्तों अगर फिक्स ऑर्डर का रहेगा, दोनों का ऑर्डर सिमिलर रहेगा और साइक्लिक रहेगा, then they always are isomorphic groups। तो दोस्तों ये हमेशा ही isomorphic होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हूं कि always two cyclic group are always isomorphic of a particular order। इसको दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न करना है। दोस्तों ये देखिए टाइप नंबर टू और टाइप नंबर थ्री की मैं बातें कर लेता हूँ, इसको दोस्तों रफली 5 मिनट्स या 2 से 3 मिनट में भी निकल सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर n इन CSTR, दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में CSTR की बातें करा था, उसमें हमने देखा था कि CSTR के पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर n पूछा जाता है, पॉसिबल, दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस इन दिस, तो और भी दोस्तों एलिमेंट के ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे, बट एग्जैक्टली अगर दोस्तों ऑर्डर एन की बातें करी जाएगी तो एग्जैक्टली 5n एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा दोस्तों? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, तो ऑर्डर n का एग्जैक्टली 5n एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए कि दोस्तों n का वैल्यू अगर 20 है तो पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20। एक्चुअली ये क्या है दोस्तों, सिंपल सी बातें हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी की बातें, 20th रूट ऑफ यूनिटी की बातें हैं। सो अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 क्या रहेगा, तो पहले तो क्या 6 20 को डिवाइड करता है? ये देख लीजिए 6 डज नॉट डिवाइड 20, तो 6 ऑर्डर का तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए बहुत अच्छे से समझदारी के साथ ही आइएगा, है ना, कि ऑर्डर को डिवाइड करें। मान लीजिए 10 ऑर्डर का पूछा दोस्तों, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इज एग्जैक्टली 5 10, दैट इज 5 2 × 5, राइट डाउन लाइक 5 2 5 5, बिकॉज़ जीसीडी ऑफ 2.5 इज 1, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा 4 एलिमेंट है, ठीक है, ये सब आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20 की बात करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 20 इन 5 20 दोस्तों, तो हमारा बनेगा 5 20 5 20, then we return 2^2 × 5, and GCD of 4.5 is 1, so we can separate out like this one, 5 5, so this becomes 2^2 − 2^1, और ये प्राइम में 5 − 1 5 − 1 है ना, प्राइम में माइनस 1 करेंगे दोस्तों, तो 2 × 4 becomes 8, so we are having exactly 8 elements of order 20। ये हो गया दोस्तों डन, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से लर्न करा है इसके बारे में। जेड एन अगर दोस्तों हमारा साइक्लिक ग्रुप है, तो अगर कोई डी डिवाइड्स एन करता है, मतलब डी डिवाइड्स एन क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जेड एन का ऑर्डर एन ही होता है, और मैंने बोला कि एनी डी क्या है, डी इज पॉजिटिव इंटीजर एंड डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जेड एन, देन कुछ बातें डेफिनेटली याद रखें कि ऑर्डर ऑफ डी के जो एलिमेंट होंगे दोस्तों, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी ऑलवेज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट की गारंटी देगा, पहले तो ये बात। ये मत बोलिएगा दोस्तों ये ऑर्डर इसको डिवाइड ही नहीं करता है, तब बोलेंगे इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, तो कभी भी नहीं पॉसिबल है। जैसे मैंने जे 20 की बातें करा, 6 डज नॉट डिवाइड 20, सो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ 6 डज नॉट एग्जिस्ट, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट दोस्तों इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। 3 does not divide 20, so this implies order of element of 3 never exists. तो पहले तो divide करें, divide करता है तो existence की guarantee देगा, moreover number of element of order D is exactly 5D, ठीक है। तो ये दोस्तों आ गया, कुछ examples समझ लीजिए, मान लीजिए आपने J20 ले लिया, है ना, ये क्या है दोस्तों cyclic group, operation क्या होगा दोस्तों, एडिशन मॉडुलो 20। अब जो पूछा जाए, सिंस ऑर्डर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है, जो उसके डिवाइजर होंगे, डिवाइजर क्या 1 2 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी होगा, और 20, दीज आर एग्जैक्टली 6 डिवाइजर्स।
दोस्तों वन वाटर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर 5, 1 दैट इज 1, इसमें आ जाइए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर 2 इक्वल्स टू 5 2 दैट इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर 4 दैट इज 5 4, इसका वैल्यू 2, 5 पे आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर 5 दैट इज 5 5 गिव्स 4, अगर आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर 10 इज 5 10 दैट इज बिकम्स 4, एंड लास्ट वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर 20 दैट इज 5 20 सो दैट बिकम्स 8, ये आपने इसमें भी निकाल रखा है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मैंने टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 समझाने की कोशिश करा कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है, सी स्टार के अंदर अगर हमको पर्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन सी स्टार इज एग्जैक्टली 5n, 6 का पूछेगा तो 5 6 2 का पूछेगा 5 2, इस टाइप से। और दोस्तों ये साइक्लिक ग्रुप है, इफ डी डिवाइड्स एन है तो ये भी साइक्लिक ग्रुप है ना, थ्रू टॉप यूनिटी ऑलवेज फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप, सो नो नीड टू से एनीथिंग, है ना। क्या है दोस्तों, ये भी साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है तो सेम बिहेवियर रखेगा, जो ये बिहेवियर रखता है यही ये भी बिहेवियर रखेगा, इसलिए मैंने लिखाया था दोस्तों कि एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक, एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक, सो बोथ कंटेन्स द सेम बिहेवियर। तो यहां से आपको क्या मिला कि दोस्तों nth रूट ऑफ यूनिटी की जब भी बातें करेंगे ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी, और दोस्तों ये डेफिनेटली बातें अगर याद रखें कि x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दोस्तों जो ग्रुप फॉर्म करा x का जो कलेक्शन किया इसको मान लीजिए, और दूसरा हमने g2 लिया, क्या है दोस्तों n ऑर्डर का ले लीजिए, और ये क्या है इंटीजर मॉडुलो n, सो बोथ आर आइसोमॉर्फिक, है ना। ये क्या है दोस्तों, ये भी nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप, ये भी साइक्लिक ग्रुप, सो बोथ आर साइक्लिक ग्रुप, सो दोनों का नेचर भी कैसा है दोस्तों, साइक्लिक। अगर दोस्तों n का वैल्यू 20 होगा तो याद रखें कि x 20-1 और j 20 दोनों सेम बिहेवियर रखेगा, ऑर्डर भी सेम होगा, एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम होगा, एवरीथिंग शुड बी सिमिलर, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, डेफिनेटली दोस्तों IIT JEE CSI NEET गेट के बच्चों को बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मोर ओवर दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कमिंग इन द UPSC स्टेट PCS BPSC दोस्तों, वहां पे डेफिनेटली बहुत इजी, जिसको CSI NEET की बहुत अच्छे समझ है दोस्तों उसको स्टेट PCS के ये सब क्वेश्चन लगाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में मिलेंगे, और दीपावली की रियली दोस्तों आपको एडवांस शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छा आपके लिए दीपावली रहे, धनतेरस की भी दोस्तों वार्म विशेस टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, बहुत अच्छा करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली जारी रखें, बिल्कुल उसमें रिदम होनी चाहिए, उनमें जज्बात आपके होने चाहिए, आपकी मेहनत दिखनी चाहिए दोस्तों, और ये नहीं कि सिर्फ संतुष्ट हो जाएं दोस्तों, उसको कुछ अलग लेवल पे लेके जाइए अपने आप को, अपने अंदर जो नॉलेज है दोस्तों उसको इनहेंस करके ऊपर लेके जाएं। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों आपके अंदर जो इनपुट है उसको डेफिनेटली इंक्रीज करूं, ठीक है दोस्तों। तो इसी बातों के साथ आज के क्लास के को आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों इस चीज को आप लोग डेफिनेटली अपने दोस्तों को शेयर करें, और न्यू कमिंग जो भी दोस्तों न्यू विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा चीज आने वाला है दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक्स तो मिलते ही रहेंगे, इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, पेपर आएगा तो मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स दे दूंगा, पहले आप बहुत अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन आज का CSI NEET काफी ट्रिकी बनाने लग गया है, तो उस चीज को आप लोगों को टैकल करने की कैपेसिटी आ जाए। सो ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन मैं एंड करता हूं, और दीपावली की रैली आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और दोस्तों धनतेरस की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग बहुत अच्छा करें, मेहनत करते जाएं, ठीक है, मेहनत में बिल्कुल भी कोर कसर ना रखें, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन एंड करता हूं, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड गिविंग सच अ सपोर्ट, थैंक यू सो मच।